जानता हूं मुझे कहते हैं साल भर लगेगा, इन्हें अनुरोध कहते हैं 6 महीने लगेगा। कहते बात, उन्होंने कहा तुम जो जानते हैं ना वो जानने को भुलाने के लिए मुझे 6 महीना समय लगेगा और तब मैं सिखाऊंगा, जो तुम जान रहे हो तो भुलाने के लिए 6 महीना तुम्हें समय लग जाएगा। ये तो कुछ जानता नहीं है, इसे तो शुरू से सिखाना है। ऐसे ही जो जानते हुए नहीं जान रहे हैं वो हम लोग हैं। सारी बातें जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जान रहे हैं। ये जानते हुए ना जानना ना यही दुख पीड़ा का कारण है, क्योंकि समझ कहां रहे हैं। इडले साहब कहते हैं तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, बात कड़वी है क्योंकि समझने की आवश्यकता है। शब्द ही समुझ सुधारत ना ही आंधर भये यह की फूटे। तुम शब्दों को समझते नहीं हो और समझ को सुधार नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में मोह की पट्टी बंधी हुई है। इस मोह की पट्टी को छोड़ना यही भजन करना है। ये जो अविद्या की, प्रमाद की, अहंकार की जो पट्टी बंधी हुई है, हमारे विवेक विचार में जो राग का, मोह का जो माला छा गया है, इनको दूर करने का काम ही भजन करना है। ये मोह की पट्टी खुल गई, अहंकार अविद्या की पट्टी खुल गई, कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं है। सद्गुरु कबीर कहते हैं ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुच सुधारत ना ही आंधर भये हियो की फूटी। हमें सुंदर मानव जीवन मिला है, इसमें सारी योग्यताएं मिली हुई है, सुविधाएं मिली हुई है, अवसर मिला हुआ है, समझ मिली हुई है, सबका उपयोग करके भजन करना प्रारंभ कर दे ताकि मानव जीवन पाना सफल हो जाए और भवसागर को पार करके हम परम आनंद, परम शांति का अनुभव कर सकें। समय पूरा हुआ, आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, सद्गुरु कबीर की दो पंक्तियों पर मैंने निवेदन किया, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैंने परम विराम देता हूँ। आज आप तो सब लोग जानते हैं कि 15 अक्टूबर 2019 को श्री अमृत साहब का देहावसान हो गया था। इस साल अक्टूबर के महीने में उनकी बरसी मनाने वाली बात थी लेकिन कोरोना का काल था, वो नहीं हो पाया था, इसमें ज्यादा चर्चा तो नहीं हुई। लेकिन श्री अमृत साहब के बारे में आप सबको बताना भी नहीं है। जो लोग यहाँ आए हैं, बरसों से आते रहे हैं, वे सब उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मिलनसार स्वभाव, व्यवहार कुशल, सेवा भावी, सबको अपना बनाने लाने वाला स्वभाव उनका था और इस आश्रम में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। मैंने बीच में कहा था कि वे इस आश्रम की नींव रहे हैं और नींव ही नहीं रहे, इस आश्रम को आगे बढ़ाने में उन्होंने अप्रतिम योगदान दिया है। उनके प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। उनका जो मिलनसार स्वभाव है रहा है, सेवा, जो सेवा परायणता रही है, जो कर्तव्य परायणता रही है, वही हमारे लिए आदर्श है। आज अभी जो भोजन करेंगे उन्हें अमृत साहब जी की बरसी के उपलक्ष्य में ही भोजन होगा, उनके प्रति भी उनके उनकी स्मृति में नमन करते हुए उनको उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब पूज्य श्री साहेब जी के बहुत ही गुरु गंभीर विचार से लाभ ले रहे थे और अंतिम में साहेब जी ने परम श्रद्धेय संत श्री अमरेश साहेब जी की वर्षिक के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन समर्पित किया। मुझे भी बताया तो नहीं गया था लेकिन मेरे से भूल हुई, मेरे पास पॉम्पलेट है, देखना चाहिए, क्षमा चाहता। मैं भी अपने तरफ से श्रद्धे साहिब जी की स्मृति में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। उनके मिलनसार स्वभाव और व्यवहार कुशलता, सेवा भाविता, ये हम लोगों को भी अपने जीवन में लाना चाहिए और यही हमारे लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बोलिए सद्गुरुदेव।